आसपास कैसे लगे? हाँ सर, अच्छी फिल्म थी, मजा आ गया मुझे तो। हालांकि पता नहीं क्यों रोहित शेट्टी की पहली ऐसी फिल्म शायद मैं देख रहा हूँ जो पहले दिन भी इतनी खाली सी पड़ी हुई है। अच्छी फिल्म है, ट्रेलर वगैरह हालांकि देखिए अच्छा नहीं था, लेकिन फिल्म काफी अच्छी है। और वो स्टोरी को भी देखिए किस तरीके से गोलमाल से कनेक्ट किया गया। आपका था वो सेठ जमुना दास जो था उनका आश्रम था भैया, ऑर्फनेज था, तो उनको देखिए वो दो सेट मिलते हैं ट्विंस के, उसमें दो रणवीर सिंह और दो वरुण शर्मा मिलते हैं, तो वो अलग अलग सिटीज में वो दोनों चले गए, वो सारी चीज़ें चल रही हैं। फिर उसके आगे वो जो कन्फ्यूजन चल रहा है, फिर वो रणवीर सिंह और वो सारी चीज़ें चले आ रही हैं, उधर से भी पूजा हेगड़े, फिर जैकलिन फर्नांडिस, उसके बाद जॉनी लीवर। भैया हंस हंस के पागल हो जाओगे आप भैया फिल्म में। स्टार्टिंग में मैं हाँ कहूँगा कि स्टार्टिंग के 10-15 मिनट आपको इतना मज़ा नहीं आएगा फिल्म में, थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि अरे यार ये क्या देखने आएगा बिल्कुल, लेकिन उसके बाद जो भैया फिर वो एंट्री होती आती है मज़ा आ जाता है। जॉनी लीवर वगैरह, जॉनी लीवर तो सर मज़ा ही आ गया उन्हें देख के। और वरुण शर्मा से मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो इतना अच्छा काम करेंगे, उन्होंने भी आज़ाद दिया। और रणवीर सिंह का वो डबल रोल, फिर वो जब वो दोनों साथ में मिलते हैं, मेन तो फन तब शुरू होता है जब वो दोनों एक साथ आ जाते हैं खतरनाक तरीके से। बाकी जैकलिन फर्नांडिस काफ़ी अच्छी लगी है, पूजा हेगड़े भी काफ़ी खूबसूरत लगी, वो थोड़ी सी अलग तरह की इस बार दिखाया गया उनको, तो काफ़ी अच्छी लगी। बाकी वो इलेक्ट्रिक मैन बने हुए, वो सारी चीज़ें चल रही हैं, तो अच्छी फिल्म है। ओवरऑल मैं कहूँगा कि फिल्म अच्छी है, रिकमेंड करूँगा ऑडियंस को कि देखी जा सकती है फिल्म, का आपको हंसाएगी, निराश नहीं करेगी। क्योंकि देखिए ट्रेलर वगैरह के बाद काफ़ी ज़्यादा ट्रॉल किया गया था, एडवांस बुकिंग में मेरे ख्याल से कुछ खास हुई नहीं क्योंकि खाली पड़ा हुआ थिएटर, लेकिन फिल्म काफ़ी ज़बरदस्त है और मुझे लगता है आने वाले डेज में चल जाएगी फिल्म। 5 में से फिल्म को 3.5 स्टार्स दूंगा, मुझे काफ़ी अच्छी लगी।